ये देखिए भारतीय जनता पार्टी 22 से 32 सीटें, अगर ये अपर लिमिट जाते हैं तभी इनके लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन 22 सीटें जो पिछली बार की 37 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, जिनके साथ बाद में जेवीएम के जुड़ गए थे 6 विधायक आकर, तो एक कंफर्टेबल उनकी स्थिति थी वहां पर। लेकिन देखिए दूसरी तरफ आप जहां पर हेमंत सोरेन के चेहरे के साथ जेएमएम प्लस का आंकड़ा देख रहे हैं, वहां 38 से 50 सीटों का अनुमान है। तो ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए झारखंड के चुनाव में, पहले महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, जहां महाराष्ट्र में सरकार नहीं बचा पाए बड़ी पार्टी होने का दम भरने के बावजूद, बड़ा गठबंधन होने का दम भरने के बावजूद, जेवीएम को 2 से 4 सीटें, आजसू को 3 से 5, यानी पिछली बार से नुकसान सबको इनको दिख रहा है, पूरा जो फायदा है वो जेएमएम और कांग्रेस को तरफ की तरफ जाता दिख रहा है। बिल्कुल, अन्यों के खाते में 4 से 7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपके आंकड़े पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, और 23 का तो इंतजार पूरी राज्य की जनता को है, और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं 23 तारीख को विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश राज्य की जनता दे रही है। ये भरोसा क्यों है आपको? जो 5 वर्ष विकास के काम हुए, और ये देश की राज्य की जनता की विशेषता है, अगर आप उनके कसौटी पर खरा उतरोगे तो जनता पांव बिछाए खड़े रहती है। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव को भी अगर हम देखें तो 2014 से भी प्रचंड बहुमत देश की जनता ने, राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। 5 वर्ष में जो मोदी जी की सरकार ने काम की, और उस विकास के नाम पर ही 2019 में जनता ने दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी को बनाने का काम किया, तो ये जनता की हमारी विशेषता है। और जो 5 वर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जो विकास, शांति, सुरक्षा हमने राज्य की जनता को दी है, तो मुझे अपनी जनता पर पूर्ण भरोसा। सीए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसने आखिरी 2 दौर के चुनाव में कहीं असर डाला हो, कहीं आपके खिलाफ गया हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो नागरिक संशोधन बिल, ये देश के लिए उचित है, जो हमारे शरणार्थी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान में जो धर्म से प्रताड़ित लोग हैं उनको यहाँ नागरिकता देने की बात है, और इसमें भारतीय मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं है, न झारखंड के मुसलमान हमारे डर रहे। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि अब विकास के नाम पर ही जनता वोट देगी। रघुवर दास जी, 2 चीजें हैं। एक, हमने पूछा लोगों से बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद क्या है, 29% लोगों ने हेमंत सोरेन को वोट किया और 26% लोगों ने आपको, और हमारा सर्वे सीटों के मामले में भी आपको पीछे दिखा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव भी देख लीजिए, हम कैसे प्रचंड बहुमत से आए थे 14 के मुकाबले, वहां नरेंद्र मोदी थे, यहां रघुबर दास हैं, अंतर नहीं है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, 2019 में भी आप राजनीतिक पंडित और मीडिया के लोग, उस समय भी मोदी जी सरकार को बहुमत की सरकार नहीं आ रहा, ये भैंडेट किए थे आप लोग, भैंडेट किए थे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? नहीं रघुवर जी, शायद मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं, आप जहां बैठे हैं आज तक पर, महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी, उसके पहले लोकसभा में भी हमारे अनुमान एकदम सटीक साबित हुए। हम ही थे शायद जिन्होंने 300 से ऊपर सीटों का अनुमान दिया था, और तो कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। आपके अनुमान पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं जो 5 वर्ष में विकास के काम किए, और जोहार जन आशीर्वाद यात्रा से लेकर जो चुनाव कैंपेनिंग पे मैंने जनता का रुझान देखा, मैं उस आधार पर कह रहा हूं। रघुवर जी, आपने जब जब भारतीय जनता पूरी तरह अस्वस्थ हूं, अपने क्षेत्र में कमान भी संभाली, अभी तो मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल रहे, इससे पहले भी जब रहे तो फायदा दिखा सीटों के हिसाब से, लेकिन ये भी एक ट्रेंड दिखा कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से लोग वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो विधानसभा चुनावों में नजर नहीं आता है। एक और चीज कही जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से हरियाणा में एक गैर जाट सीएम के साथ हुआ कि थोड़ा सा कम विश्वास दिखाया गया, एक गैर ट्राइबल सीएम पहली बार बना उसको लेकर आदिवासियों में कुछ
संशय हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात होती तो 5 साल हमारे राज्य में हमने पीसफुल सरकार चलाई। हरियाणा में आप देखा होगा जाट आंदोलन भी हुआ, लेकिन झारखंड में कोई आदिवासी को लेकर मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आजादी कितने वर्ष बीत जाने के बाद जो गरीब आदिवासी के घर में बिजली नहीं थी, वहां हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, शौचालय बनाने का काम, सड़क बनाने का काम किया, पीने की पानी की व्यवस्था दी। तो मुझे नहीं लगता कि जो आदिवासियों के बारे में कहा जा रहा, क्योंकि मैं अभी भी कंफिडेंट हूं कि कम से कम 30-40% आंदोलन जनजाति समाज को भारतीय जनता पार्टी के एक घटना वो याद आती है। हालांकि रघुवर जी, जब मेरा ख्याल है छह किसान मारे गए थे उसमें, जल जंगल को लेकर जिस तरीके से आंदोलन उनका चलता है वो चला है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ठीक रहा है सब। नहीं, कोई एक आदमी भी नहीं मारा गया, कहीं जल जंगल जमीन का आंदोलन नहीं हुआ। सूचना सही नहीं है आपकी, अगर है तो बताइए कब जल जंगल जमीन के नाम पर कोई आदिवासी की मृत्यु हुई है। तो कितनी सीटें ला रहे हैं आप, अपना एग्जिट पोल तो बता दीजिए। हमारे पर तो आपने कहा चलिए सवाल नहीं उठाते लेकिन नतीजों तक इंतजार करेंगे। आपकी अपनी अंदरूनी यूनिट ने कोई सर्वे किया होगा, कुछ अनुमान लगाया होगा कितनी सीटें आप जीतेंगे? अब की बार 65 पार। ये तो नारा दिया आपने, अभी भी वही लगाएंगे? अब तो बता दीजिए कितना अनुमान लगा रहे हैं। नारा यथार्थ में परिवर्तित होगा। नारा यथार्थ में परिवर्तित होगा, ये तो हरियाणा में भी सोचा था आप लोगों ने, हो नहीं पाया ना? नहीं देखिए हर स्टेट की अलग अलग राजनीतिक स्थिति परिस्थिति होती है। हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था, महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हुआ था, उसके बावजूद भी वहाँ जो बीजेपी शिवसेना को जनादेश मिला। हमारे यहाँ 5 साल हमने बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षा लोगों को दी और साथ ही साथ विकास भी किए, और मुझे पूरी भरोसा कि सुरक्षा और विकास के नाम पर राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, और एक डबल इंजन की सरकार से जो झारखंड में विकास की गति तेज हुई है उसको बरकरार रखेगी। रघुवर जी, माफी के साथ, मैं अक्टूबर 2016 का दरअसल वो वाकया था, मैं एग्जैक्ट डेट कंफर्म होना चाहती थी इसीलिए देख रही हूँ कि वो 30 सितंबर की घटना है जिसमें हजारीबाग की घटना बताई जा रही है किसानों को, इसीलिए हो सकता है आप उसे लॉ एंड ऑर्डर समझे लेकिन उसे एक आंदोलन के तौर पर ही उस क्षेत्र के लोगों ने आगे बढ़ाया था। नहीं, किसी की गोली नहीं चली। चलिए कहीं धन्यवाद रघुवर जी, कोई तथ्य नहीं है। चलिए धन्यवाद रघुवर जी।